अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ इजी कुक बाय बख्तावर में बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही आसान सी है। हम अपने किचन में आज बनाएंगे तवा चिकन। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, आप सब इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको डिनर में ट्राई कर सकते हैं, चपातियों के साथ बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। मैं काफ़ी बार इसको घर पर बना चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ही पसंद आता है। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें सबके साथ, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, आप चाहे तो चिकन का कीमा ले लें। ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है तकरीबन 800 ग्राम, छोटे छोटे बिल्कुल क्यूब्स कर लिए उनके। यहाँ पर मैंने अनियन लिया है एक लार्ज साइज़ का और एक मीडियम साइज़ का, छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है। एक लार्ज साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, टमाटर को भी बारीक चॉप कर लें। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं 7 से 8 अदद, छोटी वाली ली हैं, छोटा छोटा चॉप कर लें। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 1 कप। तवे को मैंने अच्छे से गर्म करके ऑयल ऐड किया है। अब इसमें अनियन ऐड किए हैं। कलर चेंज होने तक हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया। अब मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। ये देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो रहा है। 3 से 4 मिनट तक चिकन को भी फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ जीरा ऐड किया है 1 टीस्पून। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। चिली फ्लेक्स ऐड की है 1/2 टीस्पून। नमक शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, चिकन के साथ जितने भी मसाले हैं वो मिक्स हो जाएं। यहाँ पे अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें यहाँ पे दही ऐड किया है 1 कप। दही को फेंट के आप इसमें शामिल कर लें। ये देखिए दही ने पानी जो है वो अपना अलग कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हमने भुनाई इसकी करनी है। ये देखें पानी इसका ड्राई हो गया। लास्ट पे मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं और लास्ट पे मैंने स्प्रिंकल किया है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और लेमन ऐड किया है। लेमन जूस ऐड कर दें 1 टीस्पून। एक मैंने नींबू लेके उसको काट के उसको अच्छी तरह से निचोड़ दिया ऊपर, इसका भी टेस्ट बहुत अलग आएगा। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ धनिया ऐड किया है। अब इसको सर्व कर लें। लेमन के स्लाइसेस लिए हैं मैंने, यहाँ पे मैं गार्निश कर रही हूँ। आपको जैसा भी करना है, अदरक ले सकते हैं जूलियन कट में, वो काट के आप इसको गार्निश कर लें। इसको आप पराठे के साथ चपाती के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप सब इसको ज़रूर ट्राई करेगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें रेसिपी को सबके साथ, अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में। बहुत ही जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।